अधिवक्ता के बेटे की हत्या में लिप्त हत्यारों की गिरफ्तारी न होने से नाराज बार एसोसिएशन के सदस्य हड़ताल पर। गौरतलब है कि पिछले एक माह पहले अधिवक्ता के बेटे मोहित की हत्या के मामले में लिप्त हत्यारों की गिरफ्तारी न होने से नाराज होडल पलवल बहा 3 बार एसोसिएशन के सदस्य मंगलवार को कामकाज बंद कर हड़ताल पर बैठ गए। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने यहाँ पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस पर हत्यारों से मिलीभगत के भी आरोप लगाए। हत्यारों की गिरफ्तारी न होने से नाराज बार एसोसिएशन के सदस्यों में भी भारी नाराजगी व्याप्त थी। बार एसोसिएशन के सदस्यों के इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व प्रधान बहादुर सिंह कर रहे हैं। होडल ज्ञात रहे कि 27 दिसंबर को गांव बंचारी निवासी अधिवक्ता लाखा राम सौरोत के बेटे मोहित की गांव के ही कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते लाखा राम के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने लाखा राम की शिकायत पर आधा दर्जन हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में अरुण सहित 4 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया, लेकिन पुलिस ने अन्य आरोपियों की अभी तक भी गिरफ्तारी नहीं किया, जिसके कारण बार एसोसिएशन के सदस्यों में पुलिस के खिलाफ रोष व्याप्त हो गया। मंगलवार को होडल सहित पलवल व 3 बार एसोसिएशन के सदस्य अपने कामकाज बंद कर हड़ताल पर बैठ गए और मोहित की हत्या के मामले में लिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान होडल बार एसोसिएशन के प्रधान बहादुर डचसा व अधिवक्ता विनय बंसल ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस हत्यारों की गिरफ्तारी करने के बजाय उनका बचाव करने में लगी है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पहले हत्यारों को ही पकड़कर उनसे ठीक तरह से पूछताछ करने के बजाय सिर्फ खानापूर्ति की है। उन्होंने कहा कि मोहित की हत्या के मामले में लिप्त गांव बंचारी निवासी सुरजीत व नरेश की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब अधिवक्ता को ही न्याय नहीं मिलेगा तो आम जनता का क्या होगा। उन्होंने कहा कि जब तक अधिवक्ता के बेटे की हत्या के मामले में लिप्त सभी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक बार एसोसिएशन की हड़तालें जारी रहेंगी। एसोसिएशन के सदस्यों ने यहां पुलिस के विरोध में जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध प्रकट किया। आपने बार एसोसिएशन की आप अध्यक्ष हैं और आज जो आपने काम काज ठप करके हड़ताल की है, किस उद्देश्य से की है? जी, हमारे साथी अधिवक्ता लाखाराम सौरभ के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी थी बदमाशों ने जी, और 4 मुलजिम पुलिस ने पकड़ लिए हैं। 3 मुलजिम जिनके नाम FIR में है उन्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया है और 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है। पुलिस का रवैया ढलमुल है। क्या कहना पुलिस का इस मामले को लेकर? पुलिस कहती है कि तफ्तीश चल रही है, लेकिन हमें अंदेशा ऐसा है कि पुलिस उन दोषियों को निकालना चाहती है तफ्तीश में। तो जैसे ये पुलिस दोषियों को निकालना चाहती है, अब आपने कहाँ कहाँ जिला स्तरीय पर हड़ताल की है, उपमंडल स्तरीय पर हड़ताल की है? हमने अपने जिला स्तरीय हड़ताल करी है। ये पलवल हमारे जिले में पूरे में 3 होडल पलवल तीनों जगह हड़ताल है और हमने आगे भी भेजी है, फरीदाबाद और गुड़गांव के लिए भी रिक्वेस्ट करी है कि वहाँ पे भी कामकाज ठप रखा जाए। तो जैसे कि अगर आपकी इस हड़ताल से पुलिस कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम और उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और तब तक अपनी हड़ताल जारी रखेंगे जब तक जो दोषी जिनका नाम FIR में है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता।